Guard Sector Command. How may I direct your call? Sir? Lilac, don't you have a new baby to get home to? I'm here as long as you are, sir. You have NOAA on line 4. Captain Mania. What? How big? Okay, I'm on my way. Problem, sir? Get me Snipes. Right away, sir. Call for me, sir. Snipes. Couldn't fly with anybody else. It's an honor, sir. Good morning. Well, Snipes, I don't think there's going to be anything good about this morning. अजीब लोग हैं कि कुछ हुआ भी तो भी इनकी मदद नहीं करूंगी। तुम अभी श्योर नहीं हो? आई एम श्योर बहुत ही होगा। यू आर होपलेस। देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। बड़े तो एरोप्लेन्स होते हैं या ट्रेन्स होती हैं, पर इसका कोई मुकाबला नहीं। तो चलें। मैंने इरादा बदल लिया है, तुम्हारे डैड को यहाँ होना चाहिए। ओह रियली? पर ऐसा क्यों? ताकि कोई मुझे हीरन से इंट्रोड्यूस करवाए। व्हाट? तुम्हारे तो ब्रेकअप हो गया ना, और वैसे भी तुम्हारे डैड उसे पसंद नहीं करते। नहीं, ये वो नहीं है जिस हिडन को मैं जानती थी, पर वो चाहता था तुम उसके शिप पर आओ। To be continued. How are you doing? कैसे हो तुम लोग? मजा आ रहा है? Enjoy yourself. Have a good time. Hello. Hello. Enjoy yourself. ये शिप पुरानी शिप से ज्यादा सेफ नहीं लगता? ये तो सिर्फ शो के लिए है डार्लिंग, असली चीज तो नीचे है। आप काम पर हैं, है ना? हाँ, ग्रीनलैंड में केविन ग्लेशियर कोलैप्स हो रहा है, मुझे उसकी जांच करनी है। डैड, ही शिप सच में अमेजिंग है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शिप दिखता कैसा है, हम पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं।
मैं नहीं चाहता कि तुम उस शिप पर जाओ। आपने ही कहा था कि मेरे लिए अच्छा स्टेप है। हाँ, पर तब मुझे ये नहीं पता था कि शिप को एनिवर्सरी डेट से पहले तैयार करने की जल्दबाजी में वो बहुत बेकार काम करेंगे। डैड, इस शिप ने इंस्पेक्शन तो पास किया है ना? मुश्किल से। 5 मिनट्स सर। हनी, मुझे जाना होगा, बाद में बात करते हैं। ओके। अपना ख्याल रखना। आप भी। कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं, ठीक है। Hey Amy, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। स्वागत है तुम्हारा टाइटैनिक 2 पर। थैंक यू, हैव अ गुड डे। यू टू। Amy, इट्स DW प्रेजेंट्स। तुम्हें देखकर खुशी हुई? थैंक्स। हाँ, सब कुछ काफी अच्छा लग रहा है। ये शिप काफी अच्छा है। तुम्हारे डैड कैसे हैं? ही इज गुड। फिर मिलेंगे। बाय, सी यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप ऐसे दिन के गवाह हैं जो इतिहास के पन्नों पर सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। एक ऐसा दिन जब हमने अतीत की गलतियों से सीखकर भविष्य को सुधारने की कोशिश की है। एक ऐसा दिन जब टाइटैनिक पर गवाई जानों को हम श्रद्धांजलि देंगे। आज तक का सबसे ग्रेटेस्ट, फास्टेस्ट और सोफिस्टिकेटेड शिप बनाकर जिसका नाम है टाइटैनिक 2। और मेरे साथ वो शख्स हैं जिनके हाथों में इस शिप की बागडोर है, हमारे शिप के कैप्टन, कैप्टन विल हावर्ड। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि अब ये शिप पहली बार अटलांटिक पर सफर करेगा। सफर यादगार होना चाहिए। लंच में नहीं चल रहे? तुम 5 मिनट लेट हो गई हो लंच के लिए। बोरिंग। देखना डॉक्टर ना देख ले। पैसेंजर्स आ चुके हैं सर। अल्मा, लेट्स मेक हिस्ट्री। बिल्कुल सर।
सोल, मैं कोस्ट गार्ड 6565 बोल रहा हूँ। वी रीड यू 6565। क्या हाल है कैप्टन? हम कुछ ही मिनटों में लैंड करने वाले हैं, इस बीच तुम कोस्ट गार्ड को स्टैंड बाई पर रखकर। वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक तो है ना कैप्टन? लगता तो है। स्नाइपर 2 o'clock। यस सर, मुझे देख रहा है। कोस्ट गार्ड आ गए। रियली? यहाँ खतरा है, इसलिए हेलीकॉप्टर ऑन रखेंगे। डॉक्टर किम पैटरसन, नोआ। नाइस टू मीट यू। आप सोच रहे होंगे किसी और सेक्टर कमांडर की जगह मैंने आपको क्यों बुलाया। वो इसलिए क्योंकि आपकी अच्छी रेपुटेशन है। मैं चाहती थी कोई मुझे सीरियसली ले, खासकर तब जब मैं उसे बताऊं कि हम बर्बाद होने वाले हैं। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। कल के कोलैप्स से उठी लहरें नॉर्दर्न कनाडा के बैफन आइलैंड तक महसूस की गई थी, और ग्लेशियर से जो बर्फ का टुकड़ा गिरा था वो मैनहट्टन के साइज का था। इमेजिन, रोड आइलैंड के साइज का टुकड़ा क्या करेगा? वो अटलांटिक के बीच के हिस्से को काफी दूर तक धकेल देगा। बिल्कुल पार पहुंचा देगा। ये मास बैलेंस मेजरमेंट्स हैं, तो जब टेम्परेचर वार्म होता है तब इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और बर्फ धीरे धीरे टूटने और पीछे हटने लगती है। जियोडेटिक इमेजेस से हमें पता चला है कि इस वक्त हम जिस ग्लेशियर पर खड़े हैं वो पिछले एक साल से 60 मीटर्स पिघल चुका है। ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। एग्जैक्टली। मुझे आपको कुछ दिखाना है, आइए। और हम लोगों के लिए ग्लोबल वार्मिंग जैसा खतरा तो है ही नहीं, है ना? जरा मुझे बताओ कि क्या है ये सब? कल का कोलैप्स। जीसस। आपने कभी तालाब में पत्थर फेंका है कैप्टन, लहरों को बाहर की तरफ बहते देखा? अगर कल का कोलैप्स एक पत्थर था तो अगला तोप का गोला होगा। अब सोचिए कि पूरा अटलांटिक ओशन कोई तालाब है। मास्टरपीस को देख रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। पार्टी के लिए लेट नहीं हो रहे हो? ये शिप मेरा है, वो मेरा इंतजार करेंगे ही। वैसे भी मुझे देर से जाना पसंद है। मैंने तुम्हें कॉल किया था। हाँ, लेकिन 6 महीने लगा दिए। तुम्हारे डैड ने मेरी नाक तोड़ दी थी, मैं और क्या करता? तुम रात के 2 बजे उनकी ही बोट में किसी और लड़की के साथ थे, उन्हें पूरा हक था। तो अभी भी डैडीज गर्ल हो? तुम ऐसा कह रहे हो। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारे डैड के बारे में पता चला, सुनकर अफसोस हुआ। कोई बात नहीं। So, it looks like he left you in charge. CEO of Walsh Industries. I always thought you'd end up in the Coast Guard. Yeah, well,
When you're offered the keys to an empire, it's kind of hard to say no. You still got the earrings I gave you? Yeah. Well, I have a lot of earrings, so... Yeah, well, I like those. तुम भी तो कॉल कर सकती थी और फिर क्या है दिन हम ये मान लेते कि सब कुछ पहले जैसा ही है मान भी जाओ तुम्हें मेरी नहीं बल्कि अपनी बोर्ड्स और पैसों की ज्यादा फिक्र थी Yeah, well, I did need your paranoid father looking over my shoulder my whole life. I wasn't talking about my father. I was talking about us. He chose a different life. That's fine, I understand. Besides, it looks like you're pretty happy with your decision. Well, तुम्हें अंदर जाना चाहिए, नहीं तो पार्टी मिस हो जाएगी. हम काफी तेज जा रहे हैं सुबह तक हम टाइटैनिक तक पहुंच जाएंगे वेल डेनेल्मा ऐसी बढ़ते रहो वाटर रीडिंग्स एट 31 डिग्रीज बहुत अजीब बात है ऐसा क्यों क्योंकि 100 साल पहले भी यही रीडिंग थी पर किस्मत से इस बार हमारे पास काफी सारी लाइफ बोट्स हैं और वैसे भी शायद हमें इस बार वो आइस फील्ड भी अवॉइड करना चाहिए यस सर और मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे शिप के इंजन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है तो अगर हमें कभी स्पीड बढ़ानी पड़े तो इसका सिर्फ नाम है टाइटैनिक 2 पर ये उससे कई गुना बेहतर है यस सर ग्लेशियर कोलैप्स होने में कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है पर अगर ऐसा हुआ तो पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन बर्बाद हो जाएगा शॉकवेव से
NOAA उसे ट्रैक कर रहा है मिगल पर हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है हमें इसी वक्त पूरे अटलांटिक में सुनामी अलर्ट घोषित करना होगा वो मैं कर चुका हूँ जेम्स सबको वार्निंग दी जा रही है गुड क्योंकि अभी हमें जरूरत है नेवी की कोस्ट गार्ड की नेशनल गार्ड की जो भी हमें मिल जाए क्योंकि जब वो लहर टकराएगी तो वो सबको ले डूबेगी हमारे पास कितना वक्त है जहाँ तक मेरा ख्याल है ज्यादा वक्त नहीं है मुझे वार्निंग सेंटर से कनेक्ट करो उन्हें जल्दी से जल्दी डार्ट रीडिंग की जरूरत होगी हमें जानना होगा कि ये कितनी तेजी से बढ़ रही है और मुझे सारा डेटा भेजो जल्दी से वक्त कम है सर समुद्र में शिप्स का क्या होगा उन्हें कुछ नहीं होगा सुनामी जमीन के पास आकर तेजी पकड़ती है इसलिए उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए ये पूरी तरह सच नहीं है कैप्टन हो सकता है सतह पर रहने वाले शिप ठीक हो पर पानी के नीचे हर चीज अफेक्टेड होगी ये नॉर्थ अटलांटिक है आइस एग्जैक्टली आइसबर्ग पानी की सतह के हजारों फीट नीचे तक फैला रहता है अगर किसी लहर से टक्कर हुई तो जहाजों को जोरदार धक्का लगेगा मैं समझ गया एडमिरल सुनो हमें अटलांटिक के हर शिप को रेडियो के जरिए अलर्ट करना होगा उनसे कहना होगा कि वो बर्फ से दूर ही रहें आई रिपीट उनसे कहिए कि आइसबर्ग से दूर रहें काम हो जाएगा जेम्स एक और बात पूछनी है टाइटैनिक 2 की कोई खबर है हम सबसे कांटेक्ट में हैं क्यों पूछ रहे हो जेम्स ये चेक कर लीजिए कि नेवी उस एरिया में कहाँ है उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि तैयार रहे कॉपी दैट डायरेक्शन चेंज हो गया अब क्या डायरेक्शन है लैटिट्यूड 40 डिग्रीज 46 नॉर्थ लॉन्जिट्यूड 50 डिग्रीज 14 वेस्ट ठीक है सेटिंग्स कंफर्म करो चॉप प्लॉट करो बिल्कुल सर इस सब को फुल स्पीड में आगे बढ़ाओ मैं कोस्ट गार्ड बोल रहा हूँ पूरे नॉर्थ अटलांटिक में सुनामी अलर्ट इशू कर दिया गया है रिपीट पता है टाइटैनिक को 6 बार आइसबर्ग्स की वार्निंग दी गई थी फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए तभी तो वो हाल हुआ है ना एनीवे तुम हेडन के बारे में इन्फर्मरी लेडीज तुम में से कोई डेक पर आ जाओ डॉक्टर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं दिस इज इम्पोर्टेंट मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई एक डेक पर आकर पैसेंजर्स को लोअर डेक तक पहुँचाए अभी आते हैं पैसेंजर्स को लोअर डेक्स पर क्यों भेजा जा रहा है टाइटैनिक 2 के सारे पैसेंजर्स प्लीज एग्जिट कीजिए इनडोर्स से और एलिवेटर से होते हुए लोअर डेक पर जाइए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक ड्रिल है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है थैंक यू वार्निंग कब मिली बस अभी मिली सर कोस्ट गार्ड ने एक ओशन वाइड अलर्ट इशू किया है कोस्ट गार्ड ग्रेट पर ये हुआ कैसे ग्रीनलैंड के किनारे से आइस ग्लेशियर कोलैप्स होने की वजह से आइसबर्ग्स के लिए तो हम तैयार हैं लेकिन ये आइसबर्ग नहीं है सर ये 800 माइल पर आर से आती हुई सुनामी है और कितना वक्त है नुआ हमें इन्फॉर्म करने वाला है सर कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट बनाए रखो कैप्टन मुझे लगता है हम डीप वाटर्स में हैं और ये हमारे नीचे से निकल जाएगी कैप्टन कोस्ट गार्ड है वीएचएफ मॉनिटर्स पे दिस इज कैप्टन हावर्ड
कैप्टन हार्वर्ड, मैं कैप्टन जेम्स बेन है, यूएस कोस्ट गार्ड। क्या खबर है कैप्टन? आपको आसपास कोई आइस फील्ड्स दिख रही हैं? अभी तक तो नहीं सर। सर मैं चाहता हूँ आप अपने शिप की डायरेक्शन को रिवर्स कर लें। सर वो लहर पूरी तेजी से आगे बढ़ रही है और अपने साथ बहुत सारे बर्फ के टुकड़े भी ला रही है। मैं चाहता हूँ कि आप अपना शिप वेस्ट में मोड़ ले जल्दी से जल्दी। पानी जितना गर्म होगा बर्फ से टकराने के मौके उतने कम हो जाएंगे। मेरी बात सुनो जेम्स, मैं जानता हूँ तुम्हें फिक्र हो रही है, पर मैं तुम्हें बता दूँ ये टाइटैनिक 2 है। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आइस डिटेक्टर्स हैं। 500 यार्ड्स दूर तक के आइस क्यूब का भी पता हमें चल जाएगा। हेडन, ये लहर 843 माइल्स पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रही है। 500 यार्ड से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे ही तुम बर्फ से टकराओगे तुम्हारे जहाज के 2 टुकड़े हो जाएंगे। जैसे कह रहे हैं, हमारे पास कितना वक्त है? लहर कितनी देर में टकराएगी? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में। तुम्हारे पास 15 मिनट है, ज्यादा से ज्यादा। Oh my God. से कितनी दूरी पर है? नॉर्थ ईस्ट 40 डिग्रीज और हमारी तरफ बढ़ रही है 13 माइल्स की दूरी। इतना वक्त बाकी है, किसी भी पल सर डाइव। सर हमारे पास वक्त। मीटर सर, 2000 टकराने वाली है। इंपैक्ट के लिए तैयार हो जाओ। स्पीड 50 नॉट्स कर दो। हमारी स्पीड ऑलरेडी 40 है, लेकिन ये कम है। मिस्टर वॉल्स, याद दिला दूं कि इस जहाज के इंजन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अगर स्पीड बढ़ाई तो ये बना ही स्पीड के लिए है। जो कहता हूं करो। स्पीड 50 कर दो। यस सर। स्पीड 50 नॉट्स। यस सर। सुनिए सब, अपने पास की डोर्स की तरफ बढ़िए। लोअर डेक पर जाइए, घबराने की जरूरत नहीं है। मैडम, इट्स गेटिंग क्रेजी। ये हो क्या रहा है? वेदर प्रॉब्लम है शायद। शिप को मोड़ दिया है और वेदर प्रॉब्लम्स की स्पीड बढ़ा दी है। मुझे बस इतना ही पता। नहीं, कुछ गड़बड़ जरूर है। एमी, मैं हूँ, मेरी बात सुनो। कुछ हो गया है अटलांटिक में, एक सुनामी साउथ की तरफ बढ़ रही है, वो कुछ ही मिनटों में तुम्हारे जहाज से टकराने वाली है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोअर डेक्स पर बिल्कुल भी मत जाना। पानी में बहुत सारी आइस भी है जो तुम्हारे शिप की तरफ आ रही है। देखो, तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपर डेक्स पर ले जाओ और जहाज के बीचों बीच रहने की कोशिश करो। रेलिंग से दूर रहो। कुछ भी होता देखो तो शांत रहना। लाइफ बोट का इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, बी केयरफुल हनी। आपकी बेटी? हाँ, वो शिप की नर्स है। सर, फ्यूल बहुत कम है सर। रिफ्यूल कहाँ से करवा सकते हैं? कैनेडियन कोस्ट गार्ड रीजनल ऑपरेशन सेंट जॉन सर। ओके, वहाँ पहुँचो जल्दी। यस सर।
स्पीड 50 नॉट्स कैप्टन. वेरी गुड. सो इंजन वन बंद हो गया है. सबको बंद कर दो. नहीं कर सकते. करना होगा नहीं तो दूसरा भी खराब हो जाएगा. हम शिप को नहीं रोक सकते. इस चिप में अभी तीन और इंजन हैं. एग्जैक्टली. आप चाहते हैं तीनों खराब हो जाएं? हम दोनों जानते हैं इस जहाज के इंजन पूरी तरह से तैयार नहीं हैं. इन्हें ठंडा करना जरूरी है. टर्बाइन्स. उनसे एडिशनल पावर मिलता है पर उन्हें अकेले नहीं चला सकते. शिप हिल रही है. तूफान आ गया है. अलार्म बजाओ. अटेंशन अटेंशन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग. सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी लाइफ वेस्ट पहन लीजिए. सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी लाइफ वेस्ट पहन लीजिए. ये कोई ड्रिल नहीं है. आई रिपीट, दिस इज नॉट अ ड्रिल. अटेंशन अटेंशन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग. सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी लाइफ वेस्ट पहन लीजिए. सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी लाइफ वेस्ट पहन लीजिए. ये कोई ड्रिल नहीं है. आई रिपीट, दिस इज नॉट अ ड्रिल. ये कोई ड्रिल नहीं है. आई रिपीट, ये कोई ड्रिल नहीं है. इसको ठीक से मॉनिटर कर लो. बढ़िया कैप्टन. जल्दी प्रेसर ऑन करो. अभी जल्दी. हमसे टकराने वाला है. जेम्स मे ने यूएस कोस्ट गार्ड. वहाँ के हालात क्या हैं? सर, एक बहुत बड़ा आइसबर्ग हमसे टकरा गया है. हमें जल्दी मदद चाहिए. कैप्टन, लगता है एक और बड़ी प्रॉब्लम है. शिप में बहुत तेजी से पानी भर रहा है. स्टारबोर्ड का पूरा हिस्सा नीचे की तरफ झुक रहा है. पूरे शिप में क्रैक्स पड़ गए हैं. स्टारबोर्ड साइड के लाइफ रैंप से लेकर बोट्स तक सब बर्बाद हो गए हैं.
कितने बर्बाद हुए? सब के सब, यानी शिप की आधी लाइफ बोट्स। और डेक की बोट्स का क्या? वो शो बोट्स हैं, तैर नहीं सकती। और बल्क है, वाटर टाइट बल्क है, ये ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए थे कि जहाज सामने से टकराएगा ना कि साइड से। तुम कहना क्या चाहते हो? शिप एक तरफ झुकता जाएगा, पानी भरता जाएगा और ये नीचे डूबता जाएगा। कितना वक्त है? 2 घंटे या फिर 3 अगर टर्बाइन ठीक रही। टर्बाइन को कुछ हुआ तो शिप डूब जाएगा। आधे घंटे में पूरा शिप पानी के नीचे होगा। ओके, लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू करो, हमारी सारी बोट्स भर लो। औरतें और बच्चे पहले। हाँ। लगता है इतिहास खुद को दोहरा रहा है। मुझे इसकी परवाह नहीं, ये मेरा शिप है, अब जाओ। यस सर। ओके केसी, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो खड़ी हो जाओ। ओके कम ऑन, गेट अप। हेलहाइम ग्लेशियर से मिलने वाली साइस्मिक रीडिंग सरफेस के नीचे बहुत सारे क्रैक्स इंडिकेट कर रही है। इसका मतलब बर्फ बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अब कहना क्या चाहती हैं डॉक्टर? अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ही एक मेगा सुनामी आएगी जिसके सामने पहली वाली कुछ भी नहीं होगी। कितनी बड़ी? उसके रास्ते की हर चीज बर्बाद हो जाएगी। हमें टाइटैनिक 2 के पैसेंजर्स को वहां से निकालना होगा। हम सर्च और रेस्क्यू प्लान की शुरुआत कर रहे हैं। 40 मील वेस्ट में नेवी का एक डिस्ट्रॉयर है, वो 1 घंटे में टाइटैनिक पहुंच जाएगा। एडमिरल, अब हमारे पास उतना वक्त नहीं है, हमें अभी उस इलाके में प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स भेजने होंगे। कैप्टन, टाइटैनिक के पास जरूरत से ज्यादा लाइफ बोट्स हैं। ऐसा लगता है कि एक और बहुत बड़ा ग्लेशियर कोलैप्स होने वाला है, और अगर एक और तूफान आया तो ये लाइफ बोट्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हैडली, मेरी बेटी भी उस शिप पर है। आई अंडरस्टैंड। नहीं, मैं यही रुकूंगी, तुम इसका ख्याल रखना। ओके, अंदर आओ, अंदर आओ, जल्दी करो, कम ऑन, जल्दी। कितनी दूर है? 30 मिनट सर। रिफ्यूलिंग का क्या हुआ? C-130 अभी पहुंचता ही होगा, पर हम रिस्क ले रहे हैं सर।
ओके, उनसे कहो कि पहले इसे रिफ्यूल करे और फिर शिप की तरफ जाए। यस सर। पैटरसन। ऐसा हो चुका है। इस वक्त जितने भी हमारे पास SAR एयरक्राफ्ट हैं, सब उड़ान भरे। सर, क्या बात है लैलिक? जरा इस पर नजर डालिए। ये तो एक प्री एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेड मॉडल है ना? नो सर, ये लाइव फीड है। मैं भी आता हूँ। ये सब तुम्हारी गलती है। ये लो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है हटू? तुम अपनी जान बचाने की सोचो और जल्दी से जल्दी लाइफ बोट के पास पहुँचो। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं। कम ऑन, मुझे दूसरा रास्ता पता है। घाव पर दबाव डालो, खून को रोको। तुम जो भी करना है थोड़ा जल्दी करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। जल्दी एक क्रेडिट कार्ड, जल्दी मुझे एक क्रेडिट कार्ड दो। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे तुम्हारे घाव पर पट्टी बांधनी। तुम ठीक हो जाओगे। मुझे टेप चाहिए, जल्दी लाओ। हरी, टेप है कहाँ? टेप कहाँ है? मैं तुम्हारी अभी बैगेज कर दूंगी। हाँ, मिल गई। ऑलराइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा केली। ओके, जल्दी करो, सांस लो केली। ठीक हो तुम? ठीक है, मुझे अपना हाथ दो। हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। आराम से, आराम से, आराम से। मेरे कंधे पे हाथ रखो, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएंगे। बाहर निकलने का छोटा रास्ता कौन सा है? इस रास्ते से हम आए थे। चलो। अगर तू मुझे सुन सकता है तो मैं टर्बाइन रूम में जा रहा हूं। अगर कोई और आया तो उन्हें अपने साथ ले आना। यस सर। मुझे भी आना है। तुम ठीक हो? या Yeah.
लोग अंदर चलिए प्लीज, सब लोग अंदर आइए 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 प्लीज। सब लोग आ गए। ओके एवरीबॉडी ध्यान रखें, हम चलने वाले हैं। बस हम पहुंच गए आराम से। क्या कोई और रास्ता है यहाँ से निकलने का? इस तरफ आओ, हम एलिवेटर से जा सकते हैं। एलिवेटर से? और कोई रास्ता ना। USS Titanic 2, come in. I repeat, USS Titanic 2, come in. I repeat, USS Titanic 2, come in. This is US Coast Guard. Over. Captain Main. Captain, सुन रहे हो मुझे? हम स्टारबोर्ड की तरफ झुक रहे हैं, शिप 30 डिग्रीज पर है। ओके कैप्टन, आपको सब लोगों को लाइफ बोट से उतारना होगा। आधे से ज्यादा लाइफ बोट रैम्स टक्कर के बाद बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन लाइफ बोट्स डेथ ट्रैप्स हैं। अंदर चलो जल्दी। क्या तुम ठीक हो? आपको समझ आया कैप्टन? एक और बेवा रही है। कैप्टन आप हैं वहां? कैप्टन सर, टाइम टू रिव्यू। कोस्ट गार्ड 6565, अब समझ गए ड्रोन उतार रहे हैं। 6565 सर। जल्दी ऊपर चलो। पुल अप, आई रिपीट पुल अप। हैंग ऑन। Thank you.
हो? हाँ। कैली, कैली। ओके, टेक माय शॉट। क्या हुआ होगा हेडन? ओके। पता नहीं। शायद टर्बाइन्स एक्सप्लोड कर गई है। पूरा शिप आधे घंटे में पानी के नीचे होगा। तुम्हारा खून निकल रहा है। मैं ठीक हूँ। तुम्हें स्टिचेस की जरूरत है। एक बात कहूँ, हम यहाँ से जिंदा निकल जाए फिर जितने चाहे स्टिचेस लगाना। अब चलो मैं तुम्हें उठाता हूँ। ठीक है, मेरे हाथ पे पैर रखो। कम ऑन, मेरे तीन गिनने पर। ओके, रेडी? ठीक है। 1 2 3। कोशिश करो, तुम कर सकती हो। पूरी तरह जैम है। शायद शाफ्ट टूट गया है। अब हम क्या करें? मेरा फोन। डैड का है। उठाओ। डैड। एमी, क्या तुम लाइफ बोट पर हो? नहीं नहीं, हम फंस चुके हैं। शिप डूब रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं हेडन और कैली के साथ हूँ। हम एलिवेटर में फंस गए हैं। ओके ओके, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना जरा। मदद पहुंचने वाली है और मैं भी। बस तुम्हें किसी भी तरह लाइफ बोट से दूर रहना है। मैं फिर से कहता हूँ, लाइफ बोट से दूर रहना। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? हनी, एक और लहर आ रही है, पिछले वाले से बहुत बड़ी। उसके आने पर कुछ नहीं बचेगा। क्या? जब वो आएगी तो पानी में उथल पुथल मचा देगी। कुछ नहीं बचेगा, लाइफ बोट भी नहीं, सब खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम बस शिप पर ही रहो। लहरें बहुत ताकतवर होंगी और शिप भी स्ट्रॉन्ग है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। जेम्स, हमारे पास कितना वक्त है? करीब आधा घंटा। सुनो हेडन, क्या शिप पर डाइविंग टैंक्स भी हैं? हाँ, डाइविंग टैंक्स हैं। उन तक पहुंच सकते हो? शायद हाँ। गुड, उन तक पहुंचो और वहीं रहो जब तक हम नहीं पहुंचते। सुनो, तुमने एक बार कहा था कि तुम भरोसे के लायक हो, तो अब मेरी बेटी को उन टैंक्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। डैड, मुझे बहुत डर लग रहा है। जानता हूँ स्वीटी, कुछ नहीं होगा। मैंने जो कहा है तुम बस वही करो, सब ठीक होगा। अगर मुझे कुछ हो गया? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कहा ना, वक्त पर पहुंच जाएंगे हम। गुड बाय डैड। जेम्स, जैसा आपने कहा है वैसा करने पर वो बच जाएंगे। ओके, पीछे झुको। ओके, चलो अब निकले यहाँ से। चलो यहाँ से निकलते हैं। चढ़ती रहो।
आजा। कम ऑन, जल्दी करो। ओके ओके, मेरे पीछे आओ। दरवाजा अटक गया है। पर ये दरवाजे तो मैन्युअली खुलते हैं ना? हाँ खुलते तो हैं। शिप एक तरफ झुक चुका है। ओके। जल्दी करो। ओके। जल्दी। जल्दी निकलो। मैं नहीं निकल सकती, जगह बहुत कम है। कम ऑन, जल्दी करो। नहीं, मैं कोशिश करूंगा। जल्दी करना होगा। जल्दी। दरवाजा बंद हो जाएगा। कम ऑन। कम ऑन। कर सकती थी तुमने किया। हमें आगे बढ़ते रहना होगा। अगर हम यहां से नहीं निकल पाए तो इसका मरना बेकार हो जाएगा। ओके, चल कम ऑन, चलो यहां से। रुको 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 रुको, चलो 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 चलो, चलो। शिप टूट रहा है। आगे चलते हैं। रुको। वो देखो। हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा, हम वापस नहीं जा सकते। ओके, हमें लटक कर जाना होगा। हम गीले हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब तक हम तारों को नहीं छुएंगे, हमारे पैर जमीन से दूर रहेंगे, हमें करंट नहीं लगेगा, राइट? पता नहीं, मुझे नहीं पता। तुम एक नर्स हो। मैं कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। पता लगाने का एक ही तरीका है। मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। एमी, तुम्हें करना होगा, वक्त बहुत कम है। मेरे हाथ गीले हैं, अगर मैं फिसल गई तो? एमी, अगर तुम नहीं आई तो हम डूब जाएंगे। अब जल्दी करो, जल्दी जंप। ओके ओके, तुम ये कर सकती हो। कम ऑन, वेरी गुड। देखा, अब चलो मेरी तरफ आती रहो। कम ऑन, तुम ये कर सकती हो। गुड। आती रहो। कम ऑन, कम ऑन, तुम बस पहुंचने वाली हो। डरो मत।
हाथ, he's coming. मेरे हाथ फिसल रहे हैं, मैं गिर जाऊंगी. तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ. ओके, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने. उसे पकड़े रखो. हेल, मैं भी चल रही हूँ. तुम्हें कुछ नहीं होगा, पकड़े रखो. मैं भी चल रही हूँ. जल्दी करो. ओके, मुझे अपना हाथ दो. ओके, ओके, ठीक है. हाँ, तुम ठीक हो ना? चलो, मेरे पीछे पीछे आओ. आ जाओ. तुम ठीक हो ना? हाँ. ओके, हम बस पहुंच गए. रुको रुको, सुना? तुमने कुछ सुना है? बोलते लगता है कोई फंसा हुआ है. हमें मदद करनी चाहिए. हाँ ठीक है, पहले तुम्हें डाइव लॉकर पहुंचा दूं, फिर मैं वापस आ जाऊंगा. नहीं, इतना टाइम नहीं है. ओके, मेरे साथ आओ. कुछ सुनाई दिया? सुन रही हूँ. आवाज तेज हो रही है, हम पास पहुंच गए. दरवाजा खोलना होगा. बचाओ, ये तो जैम हो चुका है. बचाओ, अंदर कौन है? बचाओ, दरवाजा जैम हो चुका है. Oh, damn it! ये नहीं खुल रहा. हमने उसे बाहर नहीं निकाला तो उसका दम घुट जाएगा. मेरी बात सुनो, दरवाजा जैम हो चुका है. कोई और रास्ता ढूंढ सकते हो? नहीं. मेरी बात सुन रहे हो? तमाम मेरी बात का जवाब दो. सारी मेरी गलती है, सब मेरी वजह से. हेडन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं. सारी गलती मेरी है. सुनो हेडन, तुमने मेरे पापा से प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे डाइव लॉकर तक पहुंचाओगे, याद है? तो अब जल्दी चलो. कम ऑन, लेट्स गो. ओके. चलो 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 चलो. खुल जा. शायद ये आइडिया किसी और को भी आया होगा. अब हम क्या करें? वही जो हम करने आए थे. चलो. अब तुम क्या करोगे? मेरी फिक्र मत करो. पर पानी बहुत ज्यादा ठंडा है. तुम इसे पहन लो एमी, जल्दी. जल्दी से इसमें पैर डालो, जल्दी. हरी अब. जल्दी से डॉक्टर में चलो.
पहुंचेंगे? हम करीब हैं सर, क्रैश साइट से 30 माइल्स ही दूर हैं। क्या हम पहुंच जाएंगे? मैं कोशिश करूंगा। एमी, तुम ठीक हो? क्या हुआ था? शिप पलट गया है, पूरे जहाज में पानी भर चुका है। तुम हिल सकती हो? उठने की कोशिश करो, हमें निकलना होगा। मुझे अपना हाथ दो। ओके, हमें यहाँ से निकलना है। चलो चलो चलो, तुम ठीक हो ना? लगता है दरवाजे के बाहर कुछ अटक गया है। अब हम क्या करेंगे? शिप में पानी भरता जा रहा है, हमारे पास 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं है। ओके, तुम इसे पहन लो। ओके, घूमो। ये लो। ये शिप का नक्शा है। अगर वो लोग डाइविंग फैसिलिटी तक पहुंच गए हैं तो उन्हें वहां होना चाहिए। कोई फायदा नहीं, ये हिल भी नहीं रहा है। हर डाइविंग सूट में एक इमरजेंसी अलर्ट यूनिट होता है। वो काम कैसे करता है? वो SOS सिग्नल भेजता है SAR होल्डिंग फ्रीक्वेंसी पर। ये रहा। ओके, ये पानी बहुत ठंडा है। फिक्र मत करो, ये सूट तुम्हें गर्म रखेगा। और तुम्हारा क्या होगा? इस वक्त ठंड की बजाय चिंता करने के लिए और बहुत कुछ है। सर, मैंने अभी अभी लॉस्ट डाइवर बीकन को पिकअप किया है SAR फ्रीक्वेंसी पर। लगता है कि सिग्नल टाइटैनिक 2 से आ रहा है। कितना नीचे जा सकते हैं? ओके, सुनो, मैं ये वेट सूट निकाल रही हूँ। सोचना भी मत। एजेंट, इस बारे में भूल जाओ। एजेंट, तुम्हें ठंडे पानी में कुछ हो सकता है। उससे पहले मैं डूब जाऊंगा। ओके, तो फिर हम एयर टैंक शेयर करेंगे, हम बारी बारी से सांस लेंगे। नहीं। क्यों? उससे पहले मैं ठंड से मर जाऊंगा। तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? ओके, ध्यान से सुनो। इस शिप में एयर पॉकेट्स हैं, वाटर टाइट रूम्स हैं। Okay. उससे वो धीरे धीरे डूबेगा। इस टैंक की हवा आधे घंटे तक रहेगी और तब तक मदद आ जाएगी। रुको रुको, मुझे ऐसा नहीं। शायद उन्हें वो सिग्नल मिल गया होगा। एक मिनट रुको, ढूंढ सकते हैं। तुम्हारे क्या होगा? मैं डूब जाऊंगा। अगर मदद जल्दी आ गई तो मुझे बचा लेंगे। No. यही एक रास्ता है। No, no, no. मेरी बात सुनो, दिमाग से। अगर हमने टैंक शेयर किया तो मैं पहले ही ठंड से मर चुका हूंगा, ऑक्सीजन वेस्ट होगी, इतने ठंडे पानी में मेरा खून जम जाएगा, इस टेम्परेचर में शायद मैं बच भी जाऊं, पर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं नहीं बचूंगा। ओके? ये सब मेरी गलती है एमी। नहीं। कम ऑन, सिलेंडर ऑन कर देता हूं। उसे ढूंढना है। आपको पता भी है आपको कहाँ जाना है? जहाँ जाना होगा जाऊंगा। जेम्स, जैसे ही शिप नीचे जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा। जानता हूँ। आप समझ नहीं रही, 60 मीटर नीचे जाते ही। जानता हूँ, मुझे उसका भी ख्याल रखना होगा। सुनो, तुम इसका एक कोना पकड़ो और इसे ठीला छोड़ो। अब ये किस लिए है? वापसी का रास्ता ढूंढने के लिए। ये रस्सी 1000 फुट लंबी है, यहाँ से ढीली छोड़ दो और यहाँ से पकड़े रहो। रस्सी कम पड़ गई तो फिर मैं मर जाऊंगा। रस्सी काट देना। आप तैयार हैं सर? मैं जा रहा हूँ।
आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। नहीं, पर अब तो तुम यहाँ। हाँ, शायद मैंने वो कर लिया जो मैं करना चाहता था। ऑलराइट एमी, अपना अपने रेगुलेटर्स भी ओके। जल्दी कीजिए। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मैं जो कर सकता हूँ करूँगा, आप कूदिए। मैम जल्दी कीजिए, जंप।
left here, no comfort to be found. Standing at the water's edge, sometimes I feel your presence near, and I just wonder what it all means. Strange times, lost and innocence, black.